दोस्तों बैकलैश के मेन इवेंट में हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में काफी तगड़ा खूनी मैच देखने को मिला, जिसमें कोडी रोड्स ने खून से लथपथ जंगली शेर को हराकर काफी तगड़ी जीत हासिल की। दोस्तों बैकलैश का मेन इवेंट जो कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में था, जिसको देखने के लिए लोग काफी दिनों से एक्साइटेड थे, फाइनली ये मेन इवेंट हो चुका है, जिसकी एंडिंग इतनी तगड़ी नहीं थी लेकिन मैच वाकई में काफी तगड़ा था। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले ही कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे जंगली शेर को कोई फर्क नहीं पड़ा और ब्रॉक लेसनर ने एक सुप्लेक्स सिटी के साथ इस मैच में अपनी वापसी की, जिसको देखकर कोडी रोड्स भी दंग रह गया। You are right, bro. दोस्तों मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर की तरफ से हमें काफी सारे सुप्लेक्स सिटी देखने को मिले, लेकिन दोस्तों एक टाइम ऐसा आया जब कोडी रोड्स के हाथों से टर्न बकल निकल जाता है और कोडी रोड्स चालाकी दिखाते हुए उस निकले हुए टर्न बकल से ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण जंगली शेर खून से लथपथ हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों लगातार दो क्रॉस रोड्स खाने के बावजूद जंगली शेर हार नहीं मानता और कोडी रोड्स के पसीने छुड़ा देता है। दोस्तों ब्रॉक लेसनर की तरफ से हमें एक F5 भी देखने को मिलता है, लेकिन कोडी रोड्स भी उस पर किकआउट कर देता है और फिर दोस्तों जंगली शेर कोडी रोड्स को अपने किमोरा लॉक में फंसा लेता है, लेकिन कोडी रोड्स रोल अप करके इस मैच को जीत लेता है, जिसको देखकर ब्रॉक लेसनर के साथ साथ वहां बैठी ऑडियंस भी हैरान हो जाती है। दोस्तों मैच वाकई में काफी तगड़ा था, लेकिन मैच की एंडिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि ये राइवलरी अभी और आगे चलेगी और अगर ऐसा हुआ तो ब्रॉक लेसनर अपना बदला जरूर लेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।